भारत टीम के मशहूर क्रिकेटर मनोज तिवारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए ऐलान कर दिया है। मनोज तिवारी ने 3 फरवरी 2008 को इंटरनेशनल क्रिकेट ODI में डेब्यू किए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। काफी दिनों से टीम इंडिया में नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर एक आपने फोटो पोस्ट की है इंडिया जर्सी में और उसके थ्रू उन्होंने आपने संन्यास का ऐलान किया है। उस पोस्ट में मनोज तिवारी ने इमोशनल होकर क्या लिखे हैं हम आपको बताएंगे। ये बात जानने के लिए आप ही वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो वन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट लाइक शेयर भी कर दीजिए। मनोज तिवारी ने इमोशनल होकर कहा कि क्रिकेट के खेल को अलविदा, इस खेल ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरा मतलब है कि हर एक चीज जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उस समय से लेकर जब मेरे जीवन को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से चुनौती मिली थी, मैं इस खेल और भगवान का हमेशा आभारी रहूंगा जो हमेशा मेरे पक्ष में रहे। इस अवसर पर मैं उन लोगों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरी क्रिकेट यात्रा में भूमिका निभाई है। मेरे बचपन से लेकर पिछले साल तक मेरे सभी कोचों को धन्यवाद जिन्होंने मेरी क्रिकेट उपलब्धियों में भूमिका निभाई है। मेरे पिता तुल्य कोच मानवेंद्र घोष क्रिकेट यात्रा में स्तंभ रहे हैं, अगर वह नहीं होते तो मैं क्रिकेट जगत में कहीं नहीं पहुंच पाता। धन्यवाद सर और आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। मेरे पिताजी और माँ को धन्यवाद, उन्होंने कभी मुझ पर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का दबाव नहीं डाला बल्कि उन्होंने मुझे क्रिकेट में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरी पत्नी एच रॉय सुष्मिता साथ को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे जीवन में आने के बाद से हमेशा मेरे साथ रही हैं। उनके निरंतर समर्थन के बिना मैं जीवन में उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता जहाँ मैं आज हूँ। और मेरे सभी साथियों, पूर्व और वर्तमान, और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन और एसोसिएशन के सभी सदस्यों को जिन्होंने मेरी यात्रा में भूमिका निभाई है। और मैं उन क्रिकेट प्रशंसकों का जिक्र कैसे नहीं कर सकता जिन्होंने मेरे उतार चढ़ाव के दौरान मेरी कामना की और मुझे आज की दुनिया में एक क्रिकेट हस्ती बनाया। मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही, यदि मुझसे कोई छूट गया हो जिसका उल्लेख मैं यहां करने से चूक गया हूं तो कृपया मेरी क्षमायाचना स्वीकार करें। जीवन के उद्देश्य की तलाश में धन्यवाद क्रिकेट।